हेलो गाइस, वेलकम टू डेंटल पाठशाला। और आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व हमारी सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है। ये हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है हमारी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलती है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन हमारा क्या है? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन हमारा है चंदा मामा। ये चंदा मामा ने हमारी तीन ब्रांचेस देता है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसलिए हम लोग इसको रोमन फाइव वाला V1 लिखते हैं, V2 लिखते हैं और V3 लिखते हैं। ये चंदा मामा ने तीन ब्रांचेस दिए हैं। तो V1 हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो चार न्यूक्लियाई से निकलता है। ठीक है, वो निकलता है चार न्यूक्लियाई से। तो चंदा मामा एक है और उसके सूरज चार है। ये हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, जो कि कहां सिचुएटेड होता है? जो हमारा सिचुएटेड होता है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। ये हमारा है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ये है हमारा मिड ब्रेन। ये है हमारा पोन्स और ये है हमारा मेडुला। तो ये चंदा मामा के चार सूरज। एक सूरज जो है हमारा मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, मेसेंसेफेलोन में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है। एक हमारा है पॉन्स में प्रेजेंट है, जो कि हमारा प्रिंसिपल न्यूक्लियस है। ये हमारा प्रिंसिपल न्यूक्लियस है, बिल्कुल चंदा मामा के सामने जो सूरज है। और मेडुला में हमारा क्या है? लंबा स्पाइनल न्यूक्लियस है, जो कि हमारे अपर स्पाइन तक जाता है। तो ये जो हमारे न्यूक्लियस है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, ये क्या करता है? ये रिसीव करता है हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन दांत से, जॉज से, और क्या करता है? बाइटिंग और च्यूइंग में पेन से बचाता है। तो ये हमारा है मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, जो कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन या फिर सेमिलूनर गैंग्लियन या फिर गैसेरियन गैंग्लियन, तीनों इसी के ही नाम है हमारे चंदा मामा के। उसके अलावा जो हमारा मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, जो हमारा प्रिंसिपल सेंसरी या मेन सेंसरी न्यूक्लियस बोल दीजिए, ये इंफॉर्मेशन लेता है हेड से सिर्फ टच की। ये इंफॉर्मेशन लेता है हेड से सिर्फ टच की और हमारा टेम्परेचर की, सॉरी टच की और प्रोप्रियोसेप्टिव। तो ये हमारा क्या है? या इसको बोल दीजिए प्रिंसिपल स्पाइनल न्यूक्लियस, या फिर बोल दीजिए मेन सेंसरी न्यूक्लियस, या फिर बोल दीजिए प्रिंसिपल पॉन्टाइन न्यूक्लियस, सब इसी के ही नाम है। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? हमारा है स्पाइनल न्यूक्लियस। स्पाइनल न्यूक्लियस जो कि हमारा अपर पार्ट ऑफ स्पाइन से है, मेडुला में है। ये हमारा क्या है? स्पाइनल न्यूक्लियस। ये हमारा टच और प्रोप्रियोसेप्टिव करा रहा था। ये हमारा टच को छोड़ के बाकी सब कराएगा, पेन कराएगा हमारा, टेम्परेचर कराएगा हमारा और सेंसेशंस कराएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये हमारे क्या हैं? सेंसरी न्यूक्लियस है, इसीलिए ये मेनली सेंसरी है नर्व। इसके अलावा हमारा, ये हमारी क्या थी? एफरेंट फाइबर्स थे। उसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास है मोटर न्यूक्लियस, जो कि अगेन वो भी पोन्स में ही प्रेजेंट है। सामने चंदा मामा के सामने दो सूरज है, एक अच्छा सूरज एक बुरा सूरज, दोनों ही अच्छे हैं। तो ये जो है हमारा, ये है मोटर न्यूक्लियस। ये मोटर न्यूक्लियस भी हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को जाता है। मोटर न्यूक्लियस हमारा जो है वो किसको सप्लाई करता है? हमारी मॉम को, चंदा मामा को भी करता है, चंदा मामा से मॉम को करता है, जो कि हमारी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है। तो हमारी तीन ट्राइजेमिनल नर्व की, चंदा मामा की आगे तीन ब्रांचेस। एक हमारी है V1, ये फाइव रोमन फाइव फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ये हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, देखिए फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फाइव बड़ा हाथ और चाटा, तो उससे क्या होगा? टच होगा, फील होगा, पेन आएगा, थप्पड़ पड़ेगा और गर्म हो जाएगा गाल। तो ये क्या हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है हमारा क्या क्या कराता है? टच का, पेन का, टेम्परेचर का, प्रोप्रियोसेप्टिव का
और जैसे ही थप्पड़ पड़ता है ऐसे ही क्या होता है, जॉ दर्द करने लगता है, तो अवेयरनेस कराता है मसल्स की और जॉइंट्स की। तो ये क्या हमारा V1, V2 एंड V3। V1 हमारे क्या है, तीन, इसके तीन वो है, ब्रांचेस हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ऑप्थाल्मिक, फिर हमारा क्या है मैक्सिलरी, फिर हमारा क्या है मैंडिबुलर। तो ये है हमारा ऑप्थाल्मिक, ये है हमारा मैक्सिलरी अपर लिप से, और ये है हमारा मैंडिबुलर। तो ये हमारी होगी तीन ब्रांचेस। इसमें से दो ब्रांचेस जो हैं, ये दोनों ब्रांचेस जो हैं, ये कंप्लीटली सेंसरी हैं, ऑप्थाल्मिक और मैक्सिलरी। मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो सेंसरी भी है और हमारी मोटर भी है। देखिए मोटर जो है वो मैंडिबुलर नर्व का ब्रांच है, तो मैंडिबल किससे ओरिजिनेट हो रहा था हमारा, हमने ब्रैंकियल, हमने फेरेंजियल आर्चेस में क्या पढ़ा था, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से हमारा मैंडिबल और मैंडिबुलर नर्व बन रही थी। तो ये मैंडिबुलर नर्व, ये जो हमारा मोटर नर्व है वो क्या करता है, हमारा फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से हमारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है। हमारा खत्म होता है ट्राइजेमिनल नर्व। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे, और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।